हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम हो रहा है, मैं बना रही हूँ नाश्ता मिस्टी के लिए क्या सभी के लिए बना रही थी। तो मैं बना रही हूँ रोल, वेज रोल बना रही थी। तो फिर मिस्टी को हो गई थी बहुत देर और तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज लेट उठी थी थोड़ा सा, तो इसकी वजह से लेट हो गई। तो मैं क्या करूँगी, इसे मिस्टी के लिए बनाऊँगी। तो अभी फिलहाल में तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने प्याज लिया है और 2 शिमला मिर्च ली और आलू है। इन सबका मैं पहले मिक्सर बनाऊँगी। और सब्ज़ी तो सभी को बनानी आती है, वही सब्ज़ी शिमला मिर्च की जो बनाते हैं उसी तरीके से बनाऊँगी मैं। और यहाँ मैं धनिया, साबुत धनिया को भूंज के, और ये जुगाड़ू सिल है नहीं तो मैं इसमें अपने तिबाही में ही पीस लेती हूँ। तो अभी जब मैं पीसूँगी ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, तो इसे कहते हैं कि जो खड़े मसाले जो होते हैं ना, उनकी खुशबू ही बहुत अच्छी आती है और उनसे सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो धनिया मेरी ख़त्म हो गई थी, ये साबुत मेरे पास रखे थे, तो इसलिए मैंने इसको पीस के मैं डाल दी। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, तो मैंने क्या करा, मैं धनिया ना मंगा नहीं रही, मैं रोज़ इसी को पीस के डाल दे रही हूँ। टाइम होता नहीं है, किसी दिन मैं एक साथ पीस के रख लूँगी। अभी तो इतना समय ही नहीं होता है कि मैं पीस के रखूँ, संडे को मैं पीस के रखूँगी। तो ये देखिए कलर इसका प्यारा, जबकि मैं कुछ नहीं डालती हूँ, और फिर भी लोगों सब्ज़ी देख के कोई कह सकता है कि सब्ज़ी में कुछ नहीं पड़ा है। तो यहाँ मेरा मिक्सर तैयार हो गया है, तो मैं निकाल लूँगी बाउल में सब्ज़ी को। और फ्रेंड मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी देखो लगे हैं काम में, और काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ मैंने जो मैदा थी, थोड़ी सी मैदा पड़ी थी, मैंने उसी को बना रही हूँ। तो अगर मैं सबके लिए, फिर किसी ने नहीं खाए ये समझ, थोड़ी सी थी मिस्टी के लिए बनाई बस, और किसी ने नहीं खाई। तो मैं तो खा ही नहीं सकती थी क्योंकि मेरे तो पेट में दिक्कत हो रही थी, तो मैं तो खा ही नहीं सकती, ये मिस्टी की वजह से बना रही थी। तो देखो घर की चीज़ की बात अलग होती है, हम लोग बाज़ार से जो मंगा के खाते हैं ना, तो वो तो पता ही है कि कैसा होता है। तो आप घर में बना के खाएं और टेस्टी भी होता है और सेफ भी होता है। हम अच्छे मतलब यूज किया हुआ जो वो ऑयल होता है वो हम नहीं करते, हम नया ऑयल यूज करते हैं, तो है ना। वहाँ तो कितने दिनों का रखा हुआ और कैसे बना रहे हैं हमें तो कुछ नहीं पता है। हम अपने हाथ से बनाते हैं, उसकी बातें अलग होती है। फिर तो वही मैं बना रही हूँ मिस्टी के लिए। तो मैंने क्या करा, इसको एक पतली सी रोटी जैसी बना लिया, उसको सेक लिया मैंने। अब इसमें मिक्सर रख दूँगी थोड़ा सा। मैंने कढ़ाई रखी थी तेल में फ्राई करने के लिए, फिर मिस्टी ने मना कर दिया था, मिस्टी आई थी अभी तो वो मना करके गई कि मुझे देर हो गया और टाइम काफ़ी हो गया था। बाकी मैं 9:15 बज गए थे और 9:20 पे मिस्टी का स्कूल है, तो वही मैं फिर मिस्टी के लिए फिर इस तरह से मैंने कर दिया था। तवे में ही तेल गर्म था ये, तो तवे में कर दिया और बहुत अच्छे सीख भी गए थे। और मैंने मिस्टी से पूछा था कैसा लगा था, मिस्टी बोली बहुत टेस्टी बनाता है, अच्छा बनाता है। तो यहाँ मैं मिस्टी के लिए एक पूड़ी सेक दूँगी खाने के लिए। मैंने मिस्टी से कहा पूड़ी कुछ तो खा के जाओ, तो यहाँ मैंने एक पूड़ी जो रखी थी बेल के, पूड़ी जो रखी थी बेल के, और बस वही मैंने सेक दी है मिस्टी के लिए। तो मिस्टी अब बैग लेके चलते जाएगी, रास्ते में खाती हुई जाएगी। और वही मिस्टी आई है कि मिस्टी अभी टिफ़न देगी, मैं रख दूँगी खाना, मिस्टी का टिफ़न पैक कर दूँगी, उसके बाद मैं अपने लिए रोटी बनाऊँगी। फ्रेंड तो मैं तो रोटी ही खाऊँगी, मैं ये सब नहीं खाती, खा लेती हूँ कभी जब तबीयत ठीक होती है, तो कभी
खा लेती हूँ ना, ऐसे मैं नहीं खाती हूँ। और इस समय अब मुझे परहेज भी करना पड़ेगा, क्योंकि आज 4-5 दिन हो गया है मेरे पेट का दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। तो मुझे फिर से लगता है परहेज करना पड़ेगा, कुछ नहीं खाना है। देखती हूँ मैं उसके बाद। तो यहाँ मैंने मिष्टी का टिफ़िन जो है पैक कर दिया, मिष्टी लेके गई है, मैंने गैस बंद कर दी। और ये है शाम का ब्लॉग। मैं दुकान से वापस आई थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, ये देखिए एकदम से बारिश आ गई है। शाम को रोज़ ऐसा हो जा रहा है यहाँ पर, और फिर भी इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी, बारिश हो रही है फिर भी इतनी गर्मी हो जा रही है, हालत ख़राब हो रही है यहाँ पहाड़ों में। शायद पहली बार इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।